हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेस। कई दिन ग्रामर के टॉपिक्स और वकैब करने के बाद आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने दसवीं कक्षा का एक लेसन लेकर। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा प्योरली दसवीं क्लास के लिए रहेगा। तो आज के लेसन का नाम बता रहा हूं मैं, द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये जो स्टोरी है इट हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज वो लिखते हैं और ये जो स्टोरी है बेहद इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ मैसेज। इट एक डिडेक्टिक स्टोरी है, ये बहुत आसान है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है हरि सिंह, दूसरा है अनिल। हरि सिंह और अनिल, अब हम बात करते हैं कि इस स्टोरी की थीम क्या है। इस स्टोरी की जो थीम है दैट इज रिफॉर्मेशन ऑफ अ क्रिमिनल, मींस किसी अपराधी का सुधार। अब आप बताओ बच्चों मुझे कि किसी अपराधी का सुधार आप कैसे करोगे? आप कई तरीके बताओगे मुझे जी, उसको जेल में डालकर, उसको पनिशमेंट देकर, उसको पीट कर, उसको ये करके वो करके। लेकिन बच्चों जो सबसे बढ़िया तरीका है किसी अपराधी को ठीक करने का, वो है थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। उसे प्यार और उसको समझकर या उसको अपने आप को समझाकर कि चीजें आप गलत कर रहे हो, उसको ये चीज महसूस कराकर कि जो आपने किया है वो एक क्राइम है, इससे दूसरे को नुकसान होता है। यदि आप ये चीजें किसी क्रिमिनल को समझा पाते सर्टेनली द क्रिमिनल विल गेट चेंज। तो ये हमारी स्टोरी की थीम है। तो आइए फिर इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर तीन तरह की चीजें लिखी हुई, आप देख रहे हो। मैंने आपको अभी बताया कि इसमें दो कैरेक्टर हैं, हरि सिंह और अनिल। हरि सिंह के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसी प्रकार मैंने कुछ कीवर्ड्स अनिल के लिए भी लिखे हैं। बीच में मैंने एक बॉक्स बनाकर कुछ उसमें लिखा हुआ है। ये जो बॉक्स है ये यूं बताता है कि आप हरि सिंह और अनिल को आपस में किस तरह से कनेक्ट करते हो, ठीक है। ये लेसन करने के बाद, ये कीवर्ड्स, ये की पॉइंट्स याद रखने के बाद, आपको इस लेसन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं हमारे साथ। तो होता क्या है, हरि सिंह वॉज अ यंग बॉय ऑफ 15। हरि सिंह 15 साल का एक लड़का है। He was a cheat, वो एक धोखेबाज है। He was a thief, वो एक चोर है, करेक्ट। अब एट अ रेसलिंग मैच, यहां मैंने लिखा हुआ है, देखो, a young boy of 15, a thief है, a cheat है, एक धोखेबाज बच्चा है। तो एक रेसलिंग मैच के दौरान he came to meet अनिल, वो अनिल से मिलता है। अनिल वॉज अ राइटर, अनिल एक लेखक था, बट ही हैड नो रेगुलर इनकम, उसके पास कोई नियमित आमदनी नहीं थी। He used to write for magazines, वो magazines के लिए लिखता था, लेकिन उसको ज्यादा आमदनी नहीं होती थी कभी भी। जब wrestling match में अनिल और हरि सिंह आपस में मिलते हैं तो हरि सिंह कहता है कि I need some work, मुझे कुछ काम चाहिए। अनिल says that कि भैया मेरे पास ज्यादा पैसे वैसे नहीं है, ना मेरे पास कोई रेगुलर इनकम है, तो आप मेरे पास रहोगे तो मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हरि सिंह इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं आपके लिए ना, आप मुझे सिर्फ खाने पे रख लो, मैं आपके वहां मैं काम कर दिया करूंगा, आप सिर्फ मुझे खिला देना सिर्फ। तो अनिल मान जाता है ये बात और हरि सिंह को अपने पास रख लेता है। अब हरि सिंह ने अनिल को झूठ बोला कि मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन जब हरि सिंह खाना बनाता है उसके लिए तो द फूड ही कुक्ड वॉज वेरी बैड, वॉज नो वेयर नियर टेस्टी। तो क्या करना पड़ता है, अनिल हैड टू थ्रो द फूड टू डॉग्स, उसको वो कुत्तों को फेंक देना पड़ता है। तो इस प्रकार से फिर अनिल भी ये बात समझ जाता है कि इसने झूठ कहा था, इसको कुछ नहीं करना आता, इसको खाना नहीं बनाना आता, इसको चाय नहीं बनानी। हरि सिंह फिर क्या करने लगता है, उसके लिए सब्जियां या जो और जो मार्केट से सामान लेके आना होता है वो सामान वो लाने लगता है। तो ऐसे चलता रहता है। और इस बीच अनिल वॉज अ वेरी गुड मैन, उसको
उसने ये देख लिया कि हरि सिंह एक गरीब लड़का है, एक अनपढ़ बच्चा है, तो ही यूज टू टीच हिम, वो उसको पढ़ाने लगता है, उसको पढ़ाता है, उसको अच्छी अच्छी चीजें बताता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। एक बार क्या होता है, अनिल केम विद अ बंडल ऑफ नॉट्स, अनिल एक बंडल ऑफ नॉट्स के साथ आता है और उस में 600 rupees वर देयर, 600 रुपए थे। अब ये 600 रुपए वो कहां से आए, बिकॉज उसने एक किताब बेच दी, उसने अपनी एक लिखी हुई किताब उसकी पब्लिश हुई, उसकी वजह से उसको वो 600 रुपए मिलते हैं। तो जब वो बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है तो हरि सिंह, एज यू नो ही वाज अ थीफ, हिज माउथ वाटर्ड डाउन, उसके मुंह में पानी आ जाता है इतना पैसा देखकर। ही डिसाइडेड टू स्टील दैट मनी, वो उस पैसे को चुराने का प्लान बनाता है, ही मेड ए प्लान। तो क्या होता है, व्हेन अनिल गोज टू स्लीप, जब अनिल सो जाता है तो हरि सिंह वेंट इनटू हिज रूम, उसके कमरे में जाता है और वहां से वो पैसा उठा लेता है और लेफ्ट द हाउस, और घर छोड़ देता है। ही रीच द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, वेहर ही वॉन्टेड टू टेक अ ट्रेन टू लखनऊ, वहां से वो एक ट्रेन पकड़कर लखनऊ जाना चाहता है, बट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, लेकिन वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, ही मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन को मिस कर दिया, एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, और बारिश शुरू हो जाती है, ही गॉट ड्रेंच्ड कंप्लीटली, वो पूरी तरह भीग जाता है, जो बंडल ऑफ नोट्स उसने ले रखा था, जो पैसे उसने ले रखे थे, वो भी भीग जाते हैं। फिर देखो बच्चों क्या होता है, उसको याद आता है, फिर उसको अनिल याद आता है, वहाँ स्टेशन पर बैठे बैठे हरि सिंह को अनिल याद आता है, वो याद करता है कि वो कैसे उसको पढ़ाया करता था, कितना अच्छा वो आदमी था। तो ऐसी सारी चीजें सोचने के बाद देर वाज अ चेंज ऑफ हार्ट, उसका दिल पिघल जाता है, वो सोचने लगता है कि अनिल कितना अच्छा आदमी था और मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूँ। तो वो उसका दिल उसको वापस अनिल के घर लेके जाता है, और जब वो अनिल के घर पहुंच जाता है तो वापस उन पैसों को वहीं रख देता है, और जब अगले दिन अनिल उठता है तो वो 50 रुपए का नोट हरि सिंह को देता है कि ले बच्चा ये 50 रुपए का नोट ले, और उसको बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा इनकम नहीं थी, लेकिन अब मुझे 600 रुपए मिले हैं, तो ले मैं तेरे को 50 रुपए देता हूँ, और आगे से मैं तुम्हें रेगुलरली पे किया करूँगा, मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह दिया करूँगा, ऐसा अनिल उसको बोलता है। तो हरि सिंह को लगता है कि क्योंकि वो नोट भीगा हुआ था, जो 50 रुपए अनिल ने उसको दिए वो भीगे हुए थे, तो हरि सिंह को लगता है कि अनिल को मेरी इस बात का पता चल गया है कि ये पैसे मैं ले गया था, और ये उसने उसको, क्योंकि वो नोट भीगे हुए थे। लेकिन बच्चों अनिल बहुत साफ दिल का इंसान है, और हरि सिंह भी उसके साफ, उसकी नेक नियति से, उसके अच्छे व्यवहार से, उसकी काइंडनेस से, दयालुता से, उसके अंदर भी चेंज ऑफ हार्ट आ जाता है, और वो एक क्रिमिनल से एक सीधा साधा एक अच्छा बच्चा बन जाता है। तो बच्चों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस तो बच्चों इस स्टोरी में आप देख पाते हो कि इसमें हरि सिंह बदल जाता है, रिफॉर्मेशन ऑफ अ क्रिमिनल थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों अब ये मैंने जो की पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे आप याद कर लोगे, लिख लोगे, उसके बाद इनके जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच आता है, अनिल का कैरेक्टर स्केच आता है, ये क्वेश्चन आप इस स्टोरी से जो आज के लेक्चर में आपने सीखा है, ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, चाहे आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, आप ये सारे कर पाओगे। तो बच्चों आज का लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर आएंगे आपके सामने, थैंक यू।